पर माफिया अभियान चलाया जा रहा है जिसकी सतत मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में एक लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह है 9 से 10 लोगों का जो एक संगठित तरीके से कूटरचित दस्तावेजों को तैयार करता है और जो RTO बैरियर होता है वहाँ से उनको पास करवाया जाता है। कूटरचित दस्तावेजों को पकड़ना इतना प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि उनको बैरियर पर जो चेकिंग टीम है उसके द्वारा नहीं चेक किया जा सकता। इस प्रकार से ये कूट रचना करते हुए दस्तावेजों का निर्माण करके सैकड़ों वाहनों को पास करवाते हैं और लाखों रुपए की राजस्व क्षति पहुँचा कर सामग्री जब्त हुई है जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, 11 मोबाइल फ़ोन और सैकड़ों कूट रचित दस्तावेज जब्त हुए हैं। जो गैंग के द्वारा और गैंग के सरगना के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ हुई है उनमें जो बतलाया गया है उससे ये समझ आता है कि ये गैंग काफ़ी प्रोफेशनल वे में काम कर रही थी। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसे ये बैरियर के डाकू नाम से संचालित कर रहे थे और उसमें हर एक टीम को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जैसे एक टीम जो पहली टीम होती थी वो जितने भी वाहन हैं जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं उनसे संपर्क करके उनकी सूची बनाती थी, फिर उन अधूरे दस्तावेजों को कूट रचना के माध्यम से पूरे करने का काम दूसरी टीम करती थी, तीसरी टीम जो है इन कूटरचित दस्तावेजों को संबंधित वाहन के चालकों को प्रोवाइड करवाती थी और चौथी टीम जब वो बैरियर से पास हो जाती थी तो मनमाने ढंग से जिससे जितना वसूल कर सकते हैं उतना पैसा ही वसूल करते हैं। सर तो अलग अलग टीम बनाए जिस पर चार टीमें बड़वानी पुलिस के द्वारा DSP अजय के कुंदन और SDOP सेंधवा श्री कमल के मार्गदर्शन में और TI नागलवाड़ी और TI सेंधवा ग्रामीण को लीड करवाते हुए बनवाई थी। इन चार टीमों ने 48 आवर्स के भीतर पूरे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया और इसके मास्टरमाइंड जो है मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही बाकी के 8 लोग जो थे नहीं उनकी कोई मिली भगत नहीं है। जो सूचना हमें प्रारंभिक तौर पर दी गई वो भी बैरियर के कर्मचारियों के द्वारा ही दी गई है क्योंकि बेसिकली कूटरचित दस्तावेजों को जितना प्रोफेशनली इन्होंने कूटरचना की है तो उसको प्राइमर से पकड़ना काफ़ी टफ है। तो ये सूचना भी उनके द्वारा ही दी गई थी कि इस प्रकार से राजस्व क्षति पहुँच रही है जिसको संज्ञान में बड़वानी पुलिस ने लिया और इस पूरे गिरोह को पकड़ा। कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं इससे मोटा मोटा अभी के एनालिसिस से 20 से 25 लाख रुपए की राजस्व क्षति हमें मिली है। हालांकि जो मोबाइल फ़ोन से उनमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है तो अभी उनको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा और उनमें जो डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिकवर करने के बाद और भी ज़्यादा इसमें संभावना है कि ये राशि बढ़े। सर इन्होंने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है वो करीब 4 से 6 महीने बताया है लेकिन जो हमें रिकॉर्ड मिले हैं वो कई एक एक साल पुराने भी मिले हैं। तो संभावना ये है कि काफ़ी लंबे समय से ये काम करते आए थे और जिसके बारे में इनको पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की।